हेलो गाइज, अगर आप भी इस तरीके का मोटिवेशनल रील्स क्रिएट करना चाहते हैं खुद के फोटोज को लगा के, तो दोस्तों आप कैसे कर सकते हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। पहला है कैनमस्ट एप्लीकेशन, दूसरा है पिक्सलैब एप्लीकेशन। दोनों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। जब गाइज आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो गाइज जब आप पिक्सलैब एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको इस टेक्स्ट को सबसे पहले तो डिलीट कर देना है, तो गाइज यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद थ्री डॉट पे आपको जो कोने में दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना होगा, जिन लोगों ने चलाया होगा उसे उन्हें पता होगा। उसके बाद इमेज साइज पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो विड्थ है यहाँ से आपको उसे डिलीट कर देना है और यहाँ से आपको लिख देना है 1080। उसके बाद हाइट आपको क्या लिखनी है, यहाँ से लिखना है 1920। उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से ये वाली हाइट आ जाएगी। अब सिंपली गाइस यहाँ से आपको प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से गैलरी को अपना फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोटो से आप इस तरीके का स्टेटस को क्रिएट करना चाहते हैं। तो गाइस यहाँ से मैं एक फोटो को सिलेक्ट करने वाला हूँ, आप किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, ठीक है गाइस। सिंपली गाइस यहाँ से मैंने इस फोटो को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आप इसे बड़ा करके छोटा करके जैसे भी आप रखना चाहें, यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करके रखना है। तो गाइज यहाँ से मैंने इसे रख दिया, सिंपली आपको भी इस तरीके से कर देना है। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको लेयर वाले प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना होगा, फ्रॉम गैलरी में जाना होगा और यहाँ से आपको एक बिगनेट वाली PNG को ऐड करना होगा। तो गाइज जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सारा मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है गाइज। तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों, बिगनेट वाली PNG आ गई है। सिंपली आपको इस तरीके से बड़ा करना होगा और यहाँ पर नीचे ला के लगा देना होगा, जैसे जिस तरीके से मैंने लगा दिया, तो आपको भी इस तरीके से लगा देना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको टैक्स लिखना होगा, जो मोटिवेशनल टैक्स लगाना है। तो उससे कैसे लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ से आपको बिल्कुल बैक आ जाना है। अब आपको अपने यहाँ से किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जो भी ब्राउज़र आपके पास हो। सिंपली यहाँ से मैं गूगल को ही ओपन करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको सर्च करना होगा मोटिवेशनल लाइन्स इन हिंदी। जैसे दोस्तों यहाँ से मैंने रिसेंट में सर्च कर रखा है, तो इसी को मैं सर्च मार देता हूँ। तो जब आप यहाँ से ये सर्च मारेंगे बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिन पर आपको मोटिवेशनल बहुत सारी लाइन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इनमें से आपको जो भी पसंद हो जिस भी वेबसाइट में, दोस्तों आप उसे डाउनलोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से मैं पहली वेबसाइट पर क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको, इस वाली पर मैंने पहली वेबसाइट पर क्लिक कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जो भी दोस्तों लाइन पसंद आए सिंपली आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि कॉपी कर लेना है। तो गाइज यहाँ से मैं देख ली दोस्तों एक लाइन को आपको कॉपी करके दिखाता हूँ, ये वाली मैं यहाँ से लाइन कॉपी कर लेता हूँ। आपको भी कोई भी लाइन जो पसंद आ जाए सिंपली कॉपी कर लेनी होगी। कॉपी कर ली, उसके बाद सिंपली यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना है, बैक आ जाना है और अब आपको दोबारा से जाना है पिक्सलैब एप्लीकेशन में। तो गाइज यहाँ से मैं आ गया हूँ। अब सिंपली यहाँ से आपको करना है प्रेस वाले आइकॉन में फिर से क्लिक करना है, टैक्स पे जाना है और यहाँ से आपको टैक्स को सिलेक्ट करना है, इस तरीके से दोबारा क्लिक करना है और इसको आपको डिलीट करना है और जो भी आपने कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पे आपको लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपली यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको आ जाना है इस तरीके से, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से आ गया हूँ, तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है। अगर आप इसे छोटा बड़ा करना चाहें, किसी भी तरीके से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अपने हिसाब से कर लेना है। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इस हिसाब से, जैसे भी आप रखना चाहें। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना है, जैसे भी आप करना चाहें। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसी तरीके से। तो आपको भी इस तरीके से कर लेना है, थोड़ा टाइम लगा के। बाकी दोस्तों आपका स्टेटस काफ़ी खास बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आपको इसे बड़ा करना होगा यहाँ से, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे लाके लगाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हमें फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सेकंड नंबर पे एक ए का, आपको इसी पे क्लिक करना होगा। उसके बाद जब आप स्क्रॉल करेंगे उसके बाद यहाँ से आपको फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है, ये वाला, ठीक है दोस्तों। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको इसी इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर थोड़ा छोटा करना है, इस हिसाब से अपने आप से एडजस्टमेंट करके इस तरीके से लगा देना होगा। तो गाइस यहाँ से मैंने लगा दिया है। अब बात आती है इसके कलर को, तो इसको आप कलर के भी आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप रखना चाहें। तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद कलर का ऑप्शन मिल जाता है, ये वाला। सिंपली यहाँ से आप जो भी कलर रखना चाहें, तो जितना भी आपको कलर रखना है, जो भी, जैसे मैं शुरू का यहाँ से रेड रखना चाहता हूँ, ये वाला, तो इतना आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से रेड कर देना है। फिर आप जितना जैसे चाहें कर सकते हैं,
इतना आप कोई और कलर रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, उस पर नीचे आना है आपको। इतना आप कोई और कलर रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, जैसे यहाँ से मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर लेना है, फिलहाल आप जो भी रखना चाहें। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ से कलर चेंज कर लिया अपने हिसाब से, उसके बाद मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। तो यहाँ से आपको देख लीजिए दोस्तों, इतना कुछ हो गया है। अब यहाँ से आपको करना है शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से जो डायमेंशन आ रहा है इसे यहाँ पे कस्टम आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से आपको अल्ट्रा सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करके आपको इस इमेज को अपनी गैलरी में सेव कर लेना है। उसके बाद गए यहाँ से आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ, काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। जब गए आप काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब यहाँ से आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपली यहाँ से आपको क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब गाइस यहाँ से जो अभी इमेज हमने सिलेक्ट किया था, यानी कि एक्सपोर्ट किया था, पिक्सेल वेब एप्लीकेशन से बनाया था, उसी इमेज को हमें यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होगा। हमारा इमेज आ जाएगा, इस इमेज की लेंथ को आपको बढ़ा देना है। उसके बाद शुरू में आना होगा, लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वही मीडिया पर क्लिक करना होगा। और गाइस यहाँ से आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको एक साउंड जो मैं यहाँ से लगाने वाला हूँ उसका लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उस साउंड को आपको सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद हैशटैग ऑडियो पे क्लिक करके इस साउंड को निकाल लेना है। इस वीडियो की जरूरत नहीं है तो हम इसे डिलीट कर देते हैं। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बता दूं, अगर आपको कोई और साउंड पता है और कोई साउंड पसंद है तो आप उसे भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है जो मैंने बताया उसी को लगाएं, कोई अलग से आप साउंड को लगाइए। बाकी दोस्तों जितना साउंड हो उतनी हम फोटो की लेंथ रख लेते हैं, और यहाँ से हम इसे ट्रिम कर देते हैं। अब गाइस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फोटो में यहाँ से ट्रिम करना है उसे, तीन जगह से। यहाँ से कर लिया मैंने, और मैं यहाँ से भी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ से प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना होगा यहाँ से, और यहाँ से आपको ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना होगा, जूम स्विच, जिसे हम डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो इस तरीके से इसको आपको कम कर देना होगा इस तरीके से, ठीक है। या फिर दोस्तों आप इतना रख सकते हैं बन पे, ठीक है गाइस, आपको बन पे कर देना है। तो यहाँ से मैंने लगा दिया, उसके बाद इस पर आपको क्लिक करना है, फिर से आपको आना होगा जूम स्विच पे, आ गया, और यहाँ से आपको ये वाला लगा देना, और इसको भी आपको बन पे सिलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से आप कह रहे हैं जो म्यूजिक है हमारा और फोटो की जो लेंथ है वो कम हो गई है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको इस तरीके से बढ़ा देना है। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से हमारा जो फोटो है और जो साउंड है वो मैच हो चुका है। तो गाइस यहाँ से हमारा स्टेटस बन के बहुत तैयार हो चुका है, बिल्कुल एकदम गजब का। अगर आप चाहें तो दोस्तों यहाँ से आप कलर इफेक्ट वाली वीडियो को भी लगा सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत है नहीं। सिंपली अब गाइस यहाँ से आपको क्या करना होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, मीडिया को सिलेक्ट करना है, और अगर आप कोई लोगो लगाना चाहें या फिर कुछ भी लगाना चाहें खुद का, अगर आप स्टेटस क्रिएट कर रहे हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं, अपने यूट्यूब चैनल का, अपने इंस्टाग्राम आईडी का, या फिर कुछ भी। तो गाइस यहाँ से मैं वो भी लगा लेता हूँ। उसके बाद इस तरीके से लगाना है, छोटा बड़ा करके आप जहाँ पर भी लगाना चाहें लगा सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस यहाँ से मैंने लगा दिया, स्क्रॉल करके आपको उसे पूरी वीडियो में कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपका स्टेटस बनकर तैयार हो चुका है, अगर आप चाहें तो इसे आप अपनी गैलरी में सेव कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ से आप एरो वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ से इसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।